दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बादशाही अंगूठी पार्ट 3 रिटन बाय सत्यजीत राय। कल तक आपने सुना था कि कैसे अंगूठी चोरी हो जाती है और फेलुदा को एक चिट्ठी मिलती। आज आपके लिए हम अगले पार्ट को लेकर आए। वैसे सत्यजीत राय के फेलुदा सीरीज में ये कहानी बहुत ही पॉपुलर है। आज आप उनका थर्ड पार्ट सुनने वाले हो। ऐसे कई पार्ट्स होने वाले हैं और हम हर दिन कोशिश करेंगे एक नई पार्ट को लेकर आने की। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत हो रहा है हमारे आज की कहानी बादशाही अंगूठी पार्ट 3 रिटन बाय सत्यजीत राय। आज सुबह पिताजी हमसे कहें, देखो कल थोड़ा ज्यादा ही हम टेंशन में थे, आज हम नहीं तुम दोनों कैसे घूम आओ। मुझे क्यों नहीं लग रहा था कि पिताजी कल का धक्का सह नहीं पाए, वो अभी भी अपने चिंता में मग्न है। धीरू काका आज सुबह कहीं तो निकल चुके हैं, किसी को कुछ नहीं बताए, ना हमको ना पिताजी को और ना फेलुदा को। वो सिर्फ कल से एक ही बात कह रहे हैं, मैं श्रीवास्तव को कैसे भूलूं, मेरे पास भूलने के लिए शब्द ही नहीं है। वैसे मेरे पिताजी ने उनको शांत करने की बहुत कोशिश की थी, वो कह रहे थे, अरे धीरू मेरा बात सुन, अब तुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि शाम को वही सन्यासी आके तेरे घर पे चोरी करने वाला है? इसमें तेरा कोई दोष है क्या? ना उस बेचारे तेरे नौकर को मालूम था और ना तुझको। इसके लिए ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद मत कर। उससे अच्छा मैं क्या कहता हूं, तुम जाके पुलिस कंप्लेन कर दो, वो शायद से ही कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। तुम कह रहे थे ना इंस्पेक्टर गड़गड़ी के साथ तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्ती है। वैसे ये भी हो सकता है कि धीरू काका शायद से पुलिस कंप्लेन करने ही निकले हो। आज सुबह जब मैं गार्डन में बैठकर रोटी जैम और चाय की प्याली हाथ में ले रहा हूं, तब पिताजी ने मुझसे ये कहा, बच्चों आज हम नहीं निकलने वाले, सोचा था तुम लोग को लेकर हम रेसिडेंसी चलेंगे, लेकिन वक्त ही नहीं है हमारे पास, ये धीरू भी कहाँ चला गया मालूम नहीं। एक काम करो, तू फेलुदा के साथ यहीं कहीं आसपास घूमा। ये सुनकर मुझको थोड़ी सी हंसी आ चुकी थी, क्योंकि फेलुदा कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि उनको थोड़ा सा चलकर शहर देखने की जरूरत है। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं फेलुदा के साथ ही निकलूंगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। कुछ देर पहले से ही देख रहा हूं कि उसके नजरे जैसे और भी शार्प हो जा रही थी। फेलुदा और मैं दोनों 8 बजे के बाद घर से निकले। गेट के एकदम पास आकर ही फेलुदा ने मुझसे कहा, तुझे तुझको मैं एक वार्निंग दे रहा हूं, मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछना और ज्यादा बातें मत करना, वरना अब भी रिटर्न भेज दूंगा। लेकिन धीरू काका अगर पुलिस में कंप्लेन कर दे? तो उनको उनका काम करने दे। और अगर अगर पुलिस तुम्हारे पहले चोर को पकड़ ले तो उसमें क्या, मैं अपना नाम बदल लूंगा। धीरू काका का घर जिस रास्ते में आता है वो जगह का नाम था फ्रेजर रोड। एकदम शांत रास्ता था, दोनों साइड में ही गेट और गार्डन से भरे पड़े हुए घर। उसमें सिर्फ बंगाली रहते हैं ऐसी बात नहीं है। फ्रेजर रोड चल के पहुंच चुका है डबलिंग रोड तक। लखनऊ में ये एक एडवांटेज ही है, क्योंकि हर रास्ते का नाम या फिर जगह का नाम ही कह लो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा हुआ रहता है। कलकत्ता की तरह ढूंढ के निकालने में वक्त नहीं लगता। डबलिंग रोड जिस तरफ जाकर पार्क रोड के साथ मिला है, फेलुदा ने वहां एक पान की टपरी देखा। वो धीरे धीरे उस टपरी तक पहुंचकर कहा, मीठा पान है। मीठा पान?
ना बहुजी, लेकिन मीठा मसाला डालकर बना दे सकते हैं। हाँ वही दीजिए। फिर मेरे तरफ घूमकर कहा, बांग्लादेश छोड़कर आने पर यही एक प्रॉब्लम, कहीं मीठा पान मिलता ही नहीं। पान खरीदने के बाद उसे मुंह में डालकर फेलूदा ने टपरी वाले से पूछा, हाँ भाई, वो हम इस शहर में नया है, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन कहाँ पे है वो बता सकते हो क्या? फेलूदा वैसे भी हिंदी में ही ये सवाल पूछे थे और वो आदमी ने भी हिंदी में ही जवाब दिया था, लेकिन मैं बंगाली में ही लिख रहा हूँ। रामकृष्ण मिशन। ये शहर में एक बड़े बाबा जी आए हैं, तो उनका एक दर्शन लेना था। सुनने में आया कि वो रामकृष्ण मिशन में जाकर उठे, इसलिए पूछ रहा हूँ। दुकानदार कुछ देर तक फेलूदा की तरफ देखता रहा और फिर ना जाने ही एक अजीब सा मुंह बनाकर अपना बीड़ी बांधने में व्यस्त हो गया। वो बड़बड़ाकर कुछ कह रहा था, लेकिन हमारे कानों तक वो नहीं पहुंचा। उसी टपरी के एक टेबल पर एक या मूछ वाला आदमी बैठा था, एक पुराने टिन के बक्से को बजाकर गा रहा था। उसने फेलूदा से ये सवाल पूछा, काला मूछ दाढ़ी और काला चश्मा पहना हुआ साधु बाबा क्या? और अगर वही हो तो उसको कल रात टांगा का स्टैंड किधर है वो इस आदमी ने बता दिया था। कहां पर है ये टांगा स्टैंड? यहां से चलकर आगे जाने पर ही आपको लाइन दिख जाएगा। शुक्रिया। ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फेलूदा ने बताया कि वो उर्दू में थैंक यू कहना होता है। फिर हम दोनों पहुंचे टांगा स्टैंड। पहुंचकर लगभग 7 से 8 गाड़ियों को पूछताछ करने के बाद 8वीं बार में 57 नंबर गाड़ी ने ये बताया कि कल शाम को उसने एक गेरुआ कपड़ा पहने हुए एक काली दाढ़ी और काला चश्मा वाला साधु बाबा को इसी गाड़ी पर लेकर गया था। कहाँ लेकर गए थे साधु बाबा को? स्टेशन। हाँ, कितना भाड़ा है इधर से? 12 आना। कितना देर लगेगा पहुँचने के लिए? वो लग जाएगा 10 मिनट जैसा। चलो 4 आना और दूंगा तो 8 मिनट में पहुँचा सकते हो। टीरेन पकड़ना है का? टीरेन मतलब टीरेन, बड़ा टीरेन, एकदम फर्स्ट क्लास, बादशाही एक्सप्रेस। चलिए 8 मिनट में पहुंचा देंगे। गाड़ी के शुरुआत के बाद मैंने फेलूदा से ये पूछा, अच्छा फेलूदा, वो साधु बाबा क्या अभी भी हमारे लिए स्टेशन में वेट करेगा? लेकिन ये सवाल पूछते ही फेलूदा ने मेरे तरफ ऐसे नजरों से देखा कि मैं वो पूरा राइड चुप बैठा रहा। थोड़ी देर गाड़ी में बैठने के बाद फेलूदा ने दड़वान से पूछा, साधु बाबा के साथ कोई बैग था क्या? लगता तो है एक था, लेकिन वो बड़ा नहीं, छोटा था। स्टेशन से उतरने के बाद स्टेशन के टिकट काउंटर पे जाकर या फिर आसपास के सारे दुकानदारों को पूछने पे किसी से कोई खबर नहीं निकली। रेस्टोरेंट का मैनेजर बंगाली था, उसने हमसे ये पूछा, आप क्या पवित्र नंद महाराज के बारे में पूछ रहे हो जो देहरादून में रहते हैं? वो तो सिर्फ 3 दिन ही हुआ है यहाँ आकर, उनका तो अभी भी वक्त नहीं हुआ है लौट जाने का। वो तो एकदम अपने बहुत सारे चेलों को लेकर आए थे। फिर क्या, सबके अंत में फर्स्ट क्लास के दरवान से हमने ये पूछा तो उसने जवाब दिया कि पिछले शाम को एक साधु बाबा आए जरूर थे, लेकिन गए कहीं नहीं। उसका मतलब काफी सिंपल है सर, वो आए जरूर थे लेकिन कहीं और नहीं गए, वेटिंग रूम में भी नहीं। वो तो वॉशरूम गए थे लेकिन उनके उसके बाद और देखा नहीं। देखा नहीं गया मतलब? कहीं नहीं निकले सर, उनको आखिरी बार वॉशरूम में जाते हुए देखा था, उसके बाद और नहीं।
हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि मैं दूसरे काम में व्यस्त था और शायद से उनको मैं भूल गया। फिर क्या, हम स्टेशन से निकल आए। मैं और फेलुदा दोनों के हाथ में कुछ नहीं लगा था सिवाय एक चीज के, कि सच में एक साधु बाबा वॉशरूम गए थे। फिर सच में वो निकले भी थे या नहीं वो पता नहीं चला, कंफर्मेशन उनके पास था ही नहीं। निकल कर आने के बाद हमने एक लंबे से रोड देखा जहाँ पे बहुत सारे टांगे खड़े। उनमें से एक टांगे पे मैं और फेलुदा दोनों चढ़ गए। ये टांगा राइड को मैं रोक ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें मजा बहुत आता है। इस बार भी गाड़ी छूटने के बाद मेरे मुंह से एक सवाल निकल चुका था, फेलुदा बाबा जी वॉशरूम में जाकर वैनिश हो गए। फेलुदा ने अपने दोनों दांतों को कसकर पान थूक कर मुझसे कहा, पहले तो सुनने में आता था कि ऐसे साधु बाबा है जो अपने मंत्र से कहीं पे भी वैनिश हो सकते। मुझे ये समझ में आ गया कि फेलुदा ने मेरे बात को सीरियसली लिया ही नहीं था। स्टेशन से निकलते ही जब हम खुले रोड में आए तब मुझको एक बैंड की आवाज दिया जैसे अभी किसी का शादी चल रहा हो। धंधन 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 धंधन, ये ही ट्यून बार बार बज रहा है। अब वो आवाज हमारे और भी पास आने लगा। मैंने देखा हमारे जैसे ही एक और टांगा है लेकिन उसमें फूल माला फ्लैग और बलून से बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। गाना लाउड स्पीकर में बज रहा था। वो गाड़ी हमारे पास आते ही फेलुदा ने कहा, मूवी का प्रमोशन हो रहा है शायद से। हाँ, और सच में वो गाड़ी जब हमारे बाजू तक आया तब उसमें वो लगा पोस्टर हमने देखा। मूवी का नाम था डाकू मंसूर। उनके बीच में ही एक आदमी हर आदमी को एक बिल फेंक फेंक के सबके पास पहुंचा रहा था। उनमें से दो बिल हमारे भी टांगे के अंदर आ गया। जैसे ही वो बिल हमारे टांगे के अंदर आया और मैं उनमें से एक उठाने गया, उसी वक्त एक सफ़ेद कागज उड़कर फेलुदा के पॉकेट को लग के नीचे गिर गया। मैंने चिल्ला कर फेलुदा से कहा, फेलुदा मैंने उसको देख लिया है, काबुली वाले का भेस लेकर खड़ा है उधर। लेकिन मेरे कहने के पहले ही फेलुदा टांगे से दिया एक छलांग, चलते टांगे से उतर कर जिस तरफ वो आदमी को मैंने देखा था फेलुदा उसके तरफ दौड़ दौड़ के जाने लगा। इस पूरे भीड़ में कैसे एक इंसान कलूशंस दौड़ा कर उधर पहुंच सकता है वो देखने लायक था। ये सब भीड़ के बीच टांगे वाले ने भी अपने गाड़ी रोक ली थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं वही इंतजार करने लगा फेलुदा का। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब बैंड का आवाज भी काफी धीमी हो चुकी थी, मैंने देखा फेलुदा हमारे टांगे के अंदर आकर बैठा और फिर टांगे वाले को चलने का इशारा देकर जोर जोर से सांस लेने लगा। फेलुदा ने कहा, भीड़ में भाग क्या है, मालूम नहीं किस तरफ। वैसे एक काबुली वाले का हाइट इतना शॉर्ट होगा ये मैं पहली बार देखता हूँ, तो वैसे भी वो काबुली वाला तो था नहीं। वो चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है वो पूछने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं था। मैं काफी देर तक चुप बैठा था। फेलुदा ने एक वक्त के लिए बोला, तोपशे ये केस और इंटरेस्टिंग लग रहा है। यारी लाल का स्पाई कहना, ये अंगूठी चोरी जाना और भी बहुत, जैसे सब एक दूसरे से जुड़े हैं।
रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो हालात देखकर बदल जाता है। दोस्तों, इतने देर तक आप सुन रहे थे सत्यजीत राय की लिखी गई कहानी बादशाही अंगूठी पार्ट 3। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट अवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन राइट अहेड इन योर फोन। तो कल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं पार्ट 4, तब तक स्टे ट्यून्ड।